हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आरओ, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है, उसके प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन सेट हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। ये आरओ और एआरओ दोनों के लिए ही है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसे हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं इसको पूरे अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर करके बताऊँगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सूची वन और सूची टू से सम्मिलित कीजिए और सूचियाँ नीचे जो दी गई हैं उसका उत्तर सही उत्तर चुनना है, यानी कि ये मैच करना है कि कौन से किससे सही है। देखिए, ठीक है, तो इसमें देखिए लकुलिश है पहला, और लकुलिश किसके है प्रवर्तक माने जाते हैं, देखिए तो ये है पाशुपत संप्रदाय के। ठीक है, ये आप अगर मेरे हिस्ट्री के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एंशियंट हिस्ट्री के वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको शैव संप्रदाय का बताया है। तो ये शैव संप्रदाय ही है, एक पाशुपत संप्रदाय, उसी के प्रवर्तक है लकुलिश। ठीक है, फिर नागा अर्जु किसके जनक माने जाते हैं, शून्यवाद। ठीक है, तो शून्यवाद इनकी पुस्तक का भी नाम है नागा अर्जुन। ये कौन थे, ये बौद्धाचार्य थे। ठीक है, बौद्ध के एक आचार्य थे। भद्रबाहु का संबंध किससे है, जैन से। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाया था, तो या फिर आप लोग जानते भी होंगे कि जो भद्रबाहु थे वो जब जैसे जब जैन संप्रदाय दो में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, तो उसी में ये भद्रबाहु की वजह से ही श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय थे वो बढ़ गए थे दो भागों में, जैन संप्रदाय। ठीक है, तो भद्रबाहु किससे संबंधित हैं, जैन से। और फिर आते हैं घोषाल। ठीक है, ये है मखली पुत्र घोषाल का नाम सुना होगा आपने, कहीं कहीं घोषाल और कहीं घोषाल भी मिलता है। तो इनका संबंध क्या, आजीवक। ठीक है, आजीवक है ये, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, या संस्थापक बोल सकते हैं। तो ये देखिए किसके हो गए, देखिए लकुलिश पाशुपत, यानी कि पहले का तीसरा। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, और चौथे का पहला। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, पहले का कौन सा ऑप्शन था, बी। अब आगे इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आप लोग जानते होंगे धर्मपाल ने किया, जो कि पाल वंश का शासक है। ठीक है, ये कौन है, ये पाल वंश का शासक है। तो इसका आंसर कौन सा है, डी। ठीक है, अब मैं थोड़ा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपको बता देती हूँ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश का शासक धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी के मध्य की थी। ठीक है, यह बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, विक्रमशिला कहाँ पे है, विक्रमशिला भागलपुर में है, जो कि बिहार राज्य की एक जिला है। और 1203 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। ठीक है, तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के देखिए तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन में संस्थापक पूछा है, स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल पालवंश का शासक था, और इसकी स्थापना इसने 775 से 800 ईस्वी के मध्य में किया था। यह बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम अनुसार संयोजित कर इसका उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपको बताना है कि पहले कौन से शासक आए थे। तो देखिए, सबसे पहले
यशोवर्मन, ठीक है, ये 925 ईस्वी में इनका शासन का समय है, शासन काल है। तो सबसे पहले तीसरा यशोवर्मा, ठीक है, फिर आते हैं धंगदेव, उसके बाद विद्याधर, फिर कीर्ति वर्मा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये चंदेल शासक है, ठीक है। तो सबसे पहले चंदेल शासक में कौन आते हैं, यशोवर्मन या यशोवर्मा, फिर धंगदेव आते हैं, फिर विद्याधर आते हैं, और फिर कीर्ति वर्मा, ठीक है, ये शासक है कीर्ति वर्मा। तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, इसका सही आंसर है। अब देखिए आगे का, आगे है देखिए गुज्जर प्रतिहार शासक, देखिए इसका गुज्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि वादी आदिवराह की थी, ठीक है, आदिवराह। तो देखिए आदिवराह की जो उपाधि थी वो है मिहिर भोज की, ठीक है, मिहिर भोज की। तो इसका आंसर है मिहिर भोज, सी आंसर है। तो इसके देखिए मिहिर भोज जो था वो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए इसने आदिवराह, आदिवराह भगवान विष्णु को कहा जाता है। इसी वजह से ये आप लोगों ने सुना होगा कि विष्णु के 10 अवतारों में एक वराह अवतार भी था, इसी वजह से मिहिर भोज ने अपने का उपाधि जो था वो आदिवराह दिया था, ठीक है। अब देखिए इसका पांचवा क्वेश्चन देखिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब इसको। देखिए पांचवा है, बिहार के किस जिले ने 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करने का रिकॉर्ड स्थापित किया है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है 2008 का ही, क्योंकि हम लोग सॉरी 18 का, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी ध्यान रहना चाहिए। तो इसका देखिए आंसर है, देखिए इसका आंसर है हमारे पास गोपालगंज, ठीक है। तो इसका दूसरा आंसर है गोपालगंज, बी, पांचवे का बी ऑप्शन सही है। तो इसका है तेलंगाना के विजय ग्राम से, तेलंगाना के विजय गांव से प्रेरणा लेकर जो था, देखिए सबसे ज़्यादा तो तेलंगाना में बनाया गया है टॉयलेट, लेकिन उसी से प्रेरणा लेकर बिहार ने के गोपालगंज जो जिला है उसमें 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित किया है, ठीक है। अगर ऐसे आपको भारत में पूछेगा तो तेलंगाना राज्य का विजय गांव का नाम है ग्राम का, ठीक है। देखिए अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नासिक क्या गौतमी पुत्र से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। नासिक गौतमी पुत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हाथी गुंफा खारवेल से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंद गुप्त से संबंधित है, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, ठीक है। तो ये गलत है, इतने से पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, भीतरी स्तंभ लेख जो है अभिलेख जो है भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, ये स्कंद गुप्त का है। और फिर गिरनार रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो इसका कौन सा आंसर सही है, सिक्स्थ का सी, मतलब कि ये सुमेलित नहीं है। अब आगे देखिए, आगे कह रहे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें भी यही बताना है, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें है इब्न बतूता मोरक्को, मतलब ये किस देश का निवासी था ये बताना है, और कौन सा इसमें गलत है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मार्को पोलो इटली का निवासी था, ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक या
तुर्की का निवासी नहीं था, यह ईरान से आया था, ठीक है। और नूनिस पुर्तगाल का था, ये बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक तुर्की का निवासी नहीं था, यह ईरान का निवासी था, ठीक है। अब देखिए आगे इसका, यानी कि सातवें का सी सुमेलित नहीं है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले कौन सा हुआ था घटना, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसको। देखिए तो पहले कौन सा है, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, यानी कि आपको डेट याद होना चाहिए, ठीक है। मोहम्मद तुगलक के द्वारा, फिर अफगान षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो कौन सा आएगा हमारा यहाँ पे, देखिए चौथा, कि देखिए ये सारे जो आए थे ये बाद में आए थे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए क्या एक ही ऑप्शन है जो फोर्थ से शुरू हो रहा है चौथे से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आठवें का ए आंसर हो जाएगा। आठवें का कौन कौन सा आंसर है हमारा, ये यहाँ पे आठवें का देखिए ए आंसर, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है तराइन का पहले द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये तराइन के युद्ध के बाद ये सारे लोग आए थे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर, पहले जैसे कि चौथा पहला घटनाक्रम है, इसका मतलब चौथा तीसरा दूसरा पहला, यानी कि हमारा आठवें का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आठवें का ए आंसर, एक मिनट, हाँ फिर देखिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसको आठवीं का पहला लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत ने चिराग दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसे कहा जाता है, कौन कौन सा ऑप्शन है, देखिए मुहियुद्दीन, ठीक है, फिर उसके बाद है, उसके बाद है, हेलो, अब देखिए उसके बाद फिर ऑप्शन में है फरीदुद्दीन, फिर उसके बाद निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन। तो इसका देखिए नौवे का आंसर है हमारे पास डी, नासिरुद्दीन को, ठीक है। चिराग दिल्ली कहा जाता है नासिरुद्दीन को, तो इसका देखिए आंसर डी होगा, नौवे का आंसर डी है। फिर देखिए दसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो इसका आंसर है हमारे पास, इसका कौन सा आंसर होगा, ए आंसर है अकबर, ठीक है, अकबर होगा इसका आंसर, दसवीं का ए आंसर है, ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है, ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है, ये मैंने बौद्ध धर्म भी बताया है अपने वीडियोस में, तो आप जाके एंशियंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है त्रिरत्न के बारे में। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न होता है बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। तो 11वीं का आंसर है हमारे पास, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बुद्ध धम्म संघ। देखिए 12वां क्वेश्चन है, रणथंभौर, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है, सूची वन और सूची टू से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा आंसर है, तो देखिए इसको सम्मिलित करना है, तो इसका देखिए रणथंभौर, रणथंभौर किसका मतलब, ये
किससे सुमेलित किया जाएगा रणथंभौर को? तो ये है हमीर देव, ठीक है। रणथंभौर पहला का तीसरा, चित्तौड़ को किया जाएगा राणा रतन सिंह, ठीक है। राणा रतन सिंह से देवगिरी कौन किससे संबंधित है? राजा राय रामचंद्र, ठीक है। ये है राजा रायचंद्र और गुजरात कर्णदेव। तो इसका आंसर है पहले का तीसरा, ठीक है, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए 13वां क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, ठीक है। तो इस भी ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा हमारे पास सी, इसका आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं, एफ जी स्लाई, डी जे रीड, अनुग्रह नारायण और महात्मा गांधी। तो ये हमें पता है कि अनुग्रह नारायण ये कृषि जांच से संबंधित नहीं थे, तो इसका आंसर 13वें का सी है, ठीक है। इसमें देखिए है क्या कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चंपारण में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध करा लिया था, जिसमें किसानों ने अपनी भूमि का कुछ हिस्से नील की खेती कराने का अनिवार्य किया था। इससे वहां के किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी और चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 1917 में गांधी जी ने जो किया था, वो मतलब गांधी जी चंपारण आए थे और ये वहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उसके उसमें कौन भागीदारी नहीं लिए थे, ये अनुग्रह नारायण नहीं थे इसमें, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए इसका मतलब है कि पहले कौन सी घटना हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो सही कालानुक्रम इसका क्या है? तो देखिए सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब थी? 28 अगस्त 1928 को, ठीक है। तो पहला है नेहरू रिपोर्ट, दूसरा है गांधी इरविन समझौता 1931 को, और फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को। देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, और फिर सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को हुआ था। तो पहला कौन सा हो गया? चौथा, ठीक है। फिर दूसरा, तो इसमें आंसर देखिए है यहाँ पे होगा चौथा, ठीक है, चौथा, सॉरी दूसरा नहीं चौथा। फिर उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता, तो चौथा पहला, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और फिर दूसरा, ठीक है। तो इसका आंसर 14वें का आंसर डी हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वें क्वेश्चन पे देखिए आते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस को राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके थे सी आर दास, चितरंजन दास, ठीक है ना। तो इसका आंसर है चितरंजन दास। उन्हीं के कार्यों से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इनके साथ काम करना चाहते थे, ठीक है। तो ये इनके गुरु कौन थे? सी आर दास। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 15वें का, सी आर दास। 16वां क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, यानी कि आपको ये सुमेलित करना है कि कौन सा विद्रोह किस में समय में हुआ था, इसका काल बताना है हमें। तो देखिए ये है अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में हुआ था, ठीक है। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, ठीक है। और फिर है कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था, ठीक है, 1831 और 32 में हुआ था। संताल विद्रोह जो है वो संताल विद्रोह हुआ था 56 में हुआ था, 1856
55 56 में और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए अहोम विद्रोह जो हुआ था वो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में हुआ था। फिर कोल विद्रोह जो था वो कहाँ पे हुआ था, ये देखिए छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था 1831 और 32 के। यह सुरगा और सिंगराय के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन हर मतलब यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है, संथाल विद्रोह और ये अहोम विद्रोह वगैरह के बारे में। और मोपला विद्रोह जो है वो केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था, तो यह 1921 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 16वें का ए सही होगा हमारे पास। ठीक है, देखिए पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे सी का पहला और डी का तीसरा, तो इसका आंसर हमारे पास 16वें का ए सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी ये यहाँ पे बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर है 17वें का सी है, मुहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की थी। आगे का देखिए क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। अब देखिए हम लोग 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन रूबिकॉन यह कूट शब्द जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है जेल में गांधी जी का आमरण अनशन के लिए, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों के लिए, या फिर गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सहभागिता के लिए, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर है हमारे पास, इसका आंसर होगा हमारे पास ये था ए ऑप्शन। इसका कौन सा, जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के लिए इस शब्द का प्रयोग, ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का प्रयोग किया गया था। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखिए तो ये 18वें का ए ऑप्शन यहाँ पे है। निम्नलिखित घटनाओं पे विचार कीजिए, फिर वही आपको यहाँ पे पहले कौन सा घटना हुआ था डेट के साथ यहाँ पे याद करना होता है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, देखिए अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या सांप्रदायिक निर्णय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर है बी, यानी कि पहले सांप्रदायिक निर्णय हुआ था। यह हुआ था 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को। फिर उसके बाद है पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। देखिए सारा ही ये 1932 में हुआ है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इसका डेट कब था। सांप्रदायिक निर्णय का डेट है देखिए 16 अगस्त 1932, तो सबसे पहले यही होगा। फिर पूना समझौता है 24 सितंबर 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और फिर अगस्त प्रस्ताव था 8 अगस्त 1940। तो ठीक है, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो अब 20 पे आने के लिए हम लोग देखिए, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए क्या है, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन। ठीक है, उसके बाद है सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डेलोजी और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवलिस। तो इसका देखिए सही आंसर जो है हमारा वो है कि जो स्थानीय स्वशासन था वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल का नहीं था, यह था लॉर्ड रिपन के काल का। ठीक है, तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो पहला ही है। ठीक है,
तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा है? पहला है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के काल का था। अब देखिए सूची वन और सूची टू को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर है हमारे पास समाचार दर्पण, किस मतलब ये आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए समाचार दर्पण किसके किसका समाचार पत्र था, किसके द्वारा लिखा हुआ था, या तो ये था जॉन क्लार्क मार्शमैन, ठीक है। तो ये थे जॉन ये जो जेसी आपको दिया हुआ है मार्शमैन, ठीक है। तो इनका पूरा नाम था जॉन क्लार्क मार्शमैन, ठीक है। और मीरात जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा, केसरी आपको पता ही होगा बीजी तिलक के द्वारा, और यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। इसका हम लोग डेट भी देख लेते हैं। देखिए समाचार पत्र जो है वो 1818 में प्रकाशित किया गया था। मीरात उल अखबार जो है, ये जो मीरात तिर पूछा है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित है। तो ये कब हुआ था, 1822 में। केसरी मराठी दैनिक समाचार पत्र था और ये वीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 में, और यंग इंडिया 1916 में महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास पहले का चौथा, दूसरे का पहला, और तीसरे का दूसरा, और ये चौथे का तीसरा। तो इसका आंसर 21 का कौन सा हो जाएगा, डी। अब देखिए कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित था ये पता ही होगा आप लोगों को। तो इसका आंसर है कूका आंदोलन जो संबंधित था वो पंजाब से संबंधित था। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 23 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था, आज़ाद हिंद फौज से कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा था। तो देखिए पहला ऑप्शन है मेजर जनरल शाहनवाज खान, ठीक है। फिर है कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मालिक, या मेजर करतार सिंह। तो इसका आंसर है जो कि मेजर करतार सिंह जो है वो आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे, ठीक है। मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल शौकत अली आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, ठीक है। और इसके जो कैप्टन थे रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से टोक्यो में इसकी स्थापना की थी और बाद में इसको सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था, ठीक है। तो ये आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जिसको माना जाता है, यानी कि जिन्होंने शुरुआत की थी, वो रास बिहारी बोस थे। और फिर इसके बाद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 1943 में दे दिया था। तो इससे क्वेश्चन का इस आंसर क्या है, मेजर करतार सिंह आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा पेप्सिन, ठीक है। इसका आंसर पहला है पेप्सिन। तो देखिए इसका आंसर क्या था, पेप्सिन। देखिए पेप्सिन जो होता है वो पाचन तंत्र का एक एंजाइम होता है और यह हमारा जो आहार होता है उसको आंतों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा, देखिए इसका इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, ठीक है। स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हमारा कि जो ये सी ऑप्शन है आपका प्रोटीन वो सॉरी ये एस्ट्रोन वो हमारा स्त्रीलिंग हार्मोन है, ठीक है। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रॉन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर है हमारे पास पीपीसी, ठीक है। पीपीसी जो होता है उसको
हम लोग जो निम्नीकृत इसको नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, PPC। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले पार्ट में हम लोग इसको अगले 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 30-30 क्वेश्चन करके कर दे, क्योंकि एक ही बार काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो देखिए इसमें पूछा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मतलब क्या, बॉक्साइट तो सुमेलित है ही, ठीक है। कॉपर, सिनेबार, कॉपर जो होता है वो सिनेबाइट्स का नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, जिंक, कैलामाइन, ठीक है, तो ये सही है, ये इससे संबंधित है, और आयरन, हेमेटाइट, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका ऑप्शन कौन सा, बी जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास किस तत्व का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ए, आयोडीन का, ठीक है, ए, आयोडीन का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसमें से आपको ये बीमारी बताना है कि किससे कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से क्या सुखंडी बीमारी, जिसको मतलब जो वो दुबले पतले होते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से, इसमें बोला है कि विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना, तो ये भी सही है। इसमें बोला सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन तो ध्यान से देखना पड़ेगा। विटामिन ए, गठिया, ठीक है, तो देखिए विटामिन ए से गठिया नहीं होता है, या आँखों की इतने बीमारी होती है, और गठिया जो होता है वो हमारे जोड़ों की बीमारी होती है, यानी कि ये घुटना पे जहाँ पे हमारे शरीर के जोड़ होते हैं, खासकर जो पैरों की जो जोड़ होती है, जो घुटना होता है, उससे रिलेटेड ये बीमारी होता है। तो विटामिन ए गठिया से संबंधित नहीं है, विटामिन ए जो होता है वो हमारे आँखों से रिलेटेड बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, जैसे रतौंधी हो जाती है, या फिर जो हमारा ये रेटिना होता है उसमें ब्लैक धब्बे हो जाते हैं, उस तरीके से ये सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, तो विटामिन ए की कमी से उस तरह आँखों से रिलेटेड बीमारी होती है। विटामिन डी से बेरी बेरी होती है, विटामिन बी से, तो ये सही है। तो अब सुमेलित नहीं है, विटामिन ए जो है वो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए ये है क्लोरोमाइसिटिन, टाइफाइडस नासी, क्रिस्टल, पूर्तिरोधी, क्विनिन, मलेरिया रोधी, या एस्प्रिन, निश्चेतक, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास एस्प्रिन, निश्चेतक, ये हमारा 30 का आंसर है डी, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग सिर्फ 30 क्वेश्चन करेंगे, और कल अगली वीडियो में, या कल के जो हम लोग पार्ट, इसका अगले का पार्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग अगला 30 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।